फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से बनने वाले और बहुत ही टेस्टी से चिकन कबाब की रेसिपी लाई हूँ। और ये जो चिकन कबाब है ना, बन भी आसानी से जाते हैं और साथ ही में कम मसालों के साथ बनते हैं। तो इसके लिए मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं। और ये झटपट से बनने वाले कबाब हैं। अगर आपके पास उबला हुआ आलू रखा है और चिकन, तो ये बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। तो ये देखिए, आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। तो इसमें हम सब चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ श्रेडेड चिकन। मैंने चिकन लिया और उसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छे से उबाल लिया था। तो अब इसे भी इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही में इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जितने भी मैंने इसमें मसाले यूज़ किए हैं, उसकी क्वांटिटी जो है ना, मैं रिटिन में अपने वीडियो में आपको दे दूँगी। और ये मैंने लिए हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसमें मिर्च और नमक जो है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैं कबाब को थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा सी चिली ऐड की इसमें। और हरा धनिया, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही में इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है गर्म मसाला पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी ली है, इससे कलर अच्छा आएगा इसमें, और काली मिर्च का पाउडर और नमक। तो इन सबको भी ऐड कर लेंगे। बस इतने ही इसमें मसाले यूज़ होंगे। इसी से ये बहुत ही टेस्टी से कबाब बनेंगे। और अब इसे जो है ना, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हाथ से ही करें, जब ये अच्छी तरह से मिक्स होगा। तो ये देखिए, सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और जो इसमें मैंने हरा मसाला डाला था ना और गर्म मसाला, उसकी इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब ये जो कबाब है ना, इसे हम बना लेते हैं। तो जितने बड़े आपको कबाब बनाना है, उतना ही इसमें हाथ में पोर्शन ले लें और इस तरह से इसके कबाब तैयार कर लें। अगर ये आपके हाथ में चिपकें तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ये देखिए, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट से बनती है और टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो बस इसी तरह से जितने भी कबाब हैं वो मैं रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस सिखाती हूँ। तो ये देखिए, कबाब तो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये कबाब जो है ना, आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं करीब 15 दिन के लिए। और ये कबाब जो है ना, इसे मैंने सिर्फ 150 ग्राम श्रेडेड चिकन से बनाया है और उससे बने पूरे 16 कबाब। और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसे एक साइड में रख देते हैं और इसकी जो कोटिंग है ना, उसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए, मैंने एक अंडा लिया है। ये जो मैं कोटिंग बता रही हूँ, सिर्फ 7 से 8 कबाब की कोटिंग के लिए मैं बता रही हूँ आपको। और अंडे में अब हम मिक्स कर लेंगे बाकी की चीज़ें। ये मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। आप इसकी जगह पे चाहें तो काली मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है, 2 से 3 पिंच। और ये मैंने सेसमी सीड्स लिए हैं। इससे क्या होता है कि जो कबाब है ना, उसमें नटी टेस्ट तो आता ही है, साथ में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं उसमें। तो ये सब जो है ना, हम अंडे में ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये कबाब की जो कोटिंग है, ये तैयार है बिल्कुल। कबाब को फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, करीब 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आप चाहें तो कम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जो हमने इसकी कोटिंग बनाई थी ना, ये उसमें हम कबाब को डिप करेंगे इस तरह से और इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से जितने भी इसमें कबाब आएंगे उसे हम डिप करते हैं और साथ ही में इसे फ्राई कर लेते हैं। तो जब इसका एक साइड से कलर चेंज होगा तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसका कलर जो है ना, चेंज होने लगा है। और तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, कबाब को जो है ना, दूसरी साइड से भी मैंने सेक लिया इसी तरह से और बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। आप देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस इसी तरह से जो कबाब है ना, उसे हमें रेडी कर लेना। तो ये बहुत ही झटपट से कबाब बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको एक कबाब पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना शानदार से ये कबाब दिख रहा है, देखें। तो बस इसी तरह से जितने भी कबाब हैं आप ट्राई कर लें। और इसे सर्व करें, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम भी सर्व कर सकते हैं। आप यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उस टाइम बना लें, बहुत ही शानदार से ये कबाब लगते हैं। ये देखिए, कबाब तो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे।
तो एक कबाब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं ना कितना जबरदस्त है, बहुत ही शानदार सा। और इसे मैंने सर्व किया ये खट्टी और चटपटी सी हरी इमली की चटनी के साथ। इस चटनी की रेसिपी भी जो है ना आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और जब आप इसे बना लेना तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इंजॉय करें मज़ेदार से ये टेस्टी से कबाब। विश शिबाज किचन, थैंक यू।